संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज देश में करोड़ों गरीबों के अपने पक्के घर का सपना सच हुआ है। सबके लिए आवास की ये संकल्प यात्रा सिद्धि की ओर तेजी से बढ़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में इन झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में दिक्कतों में गुजर बसर करने वाले इन लोगों को बेहतर रहन सहन प्रदान करने के लिए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने अपने संकल्प को विस्तार दिया। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के कांका जी के भूमिहीन कैंप के झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में रहने वाले हजारों दिल्ली वासी परिवारों के लिए गुणवत्ता युक्त मॉडर्न EWS फ्लैट्स का निर्माण किया है। 345 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस परियोजना के पहले चरण के तहत 3.068 हेक्टेयर में 5 टावर्स का निर्माण किया गया है, जिसमें कुल 3024 EWS फ्लैट्स बनाए गए हैं। इन फ्लैट्स में भूमिहीन JJ कैंप के परिवार बसेंगे। 25 स्क्वायर मीटर की क्षेत्रफल में बनने वाले इन फ्लैटों में सभी आधुनिक जरूरतों और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। ये फ्लैट्स एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन, एक बाथरूम और एक हवादार और सूर्य प्रकाशित बालकनी से युक्त है। ये तो बस शुरुआत है। आगे चलकर जवाहरलाल कैंप और नवजीवन कैंप के परिवारों के पुनर्वास की रूपरेखा तैयार है। जेलर वाला बाग स्लम बस्ती और कठपुतली कॉलोनी के निवासियों के पुनर्वास के लिए भी फ्लैटों का निर्माण जोरों पर है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है, पोजेशन लेटर्स तैयार है। लाभार्थियों की आंखों में अपने फ्लैट की चाबी मिलने की खुशी साफ दिख रही है। मोदी जी द्वारा हमें A40 पॉकेट में फ्लैट आवंटित किए जा रहे हैं। इससे मेरा, मेरे बच्चों का भविष्य, मेरे दो बच्चे हैं उनका भविष्य आगे आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा उज्जवल होगा। के अमृत महोत्सव पर है ये एक अनुपम उपहार। सबके लिए घर, सबके लिए बिजली, सबके लिए बैंक, सबके लिए बीमा, सबके लिए गैस कनेक्शन, ये न्यू इंडिया की संपूर्णता की तस्वीर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। दिल्ली में कई स्लम बस्तियां हैं जिनकी तस्वीर बदलने के प्रयास जारी हैं। A14 कालकाजी में इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के जिन लाभार्थियों ने सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, अब उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनके घर की चाबियां सौंपी जाएंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आदर पूर्वक गुजारिश करती हूं कि कृपया इस शुभ कार्य के लिए मंच पर आगे पधारें। सबसे पहले मंच पर आ रहे हैं श्रीमती ज्ञानवती और श्री राम अवतार। श्री राम अवतार जी मजदूरी करते हैं, 35 सालों से स्लम बस्ती में जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन आज इन्हें मिल रहा है अपना पक्का मकान। माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने घर की चाबी प्राप्त करने के लिए अब मंच पर आ रहे हैं श्रीमती शांति बिस्वास, जो 79 साल की हैं, उनके पति श्री हजारी लाल, जिनकी उम्र है 86 साल। आप पश्चिम बंगाल से हैं, 40 सालों से झुग्गी झोपड़ी में ही अपना जीवन बिता रहे थे। हजारी लाल जी पेंशनर हैं और अब सुख से पक्के मकान में रहेंगे ये बुजुर्ग दंपत्ति। अपने सपनों के घर की चाबी प्राप्त करने के लिए अब मंच पर आ रहे हैं श्रीमती उषा रॉय और उनके पति श्री अशोक कुमार रॉय। आप दोनों पश्चिम बंगाल से हैं। श्रीमती उषा रॉय तो विवाह के बाद से झुग्गी झोपड़ी में रहने आई, लेकिन अशोक जी उनसे भी 17 साल पहले से ही झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे।
अशोक जी सब्जी बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। इनके दो बच्चे भी हैं और अब इनके बच्चों का भी बचपन पक्के मकान की छांव में फले फूलेगा। और अब मंच पर श्रीमती आशा लता और श्री हरिंदर जी को बुलाना चाहूंगी। 50 साल की आशा लता जी ने जिंदगी के 30 साल स्लम में ही बिता दिए। हरिंदर जी मछली बेचकर अपना गुजारा करते हैं। पक्का घर तो मानो अविश्वसनीय सपना था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का हर गरीब को अपना मकान देने का कृत संकल्प इनके लिए लाया है जीवन की खुशियां। और अब श्रीमती धर्मवती और श्री धर्मवीर जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। आप दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, पिछले 40 सालों से स्लम में ही रह रहे हैं। धर्मवीर जी एक वर्कशॉप में सुपरवाइजर के तौर पर काम करते हैं। 4 बच्चों के साथ स्लम में रहते कभी सोचा नहीं था कि अपना पक्का मकान होगा, लेकिन आज अपने घर की चाबियां थामते हुए इनके चेहरे की मुस्कान इनकी खुशी का इजहार कर रही है। धर्मवती और धर्मवीर जी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। साकार हुआ सपना, पक्का मकान हुआ अपना, सभी लाभार्थियों को उनके पक्के घर के लिए ढेरों शुभकामनाएं। दशकों का सपना, जिंदगी का सपना, एक आशियाने का सपना साकार हो रहा है।